हेल्दी लच्छा पराठा बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने ये आटा पहले से ही गूंद के रखा है। अब मैंने इसको गोल बेल लिया है, इस पर मैं अब घी लगाऊंगी देसी और थोड़ा सा नमक डालूंगी और इसको ऐसे करके फैलाना है। ये देसी लच्छा परांठा है, ऐसे करके इसको फैला देना है और रोल करना है। उसके बाद लास्ट से पकड़ना है, ऐसे करना है इसको, ऐसे ऐसे दबाते जाना है इसको। सारा दबा के फिर इसको ऐसे करना है। इसको दोबारा बेलना है। अब मैंने इसको बेल लिया है, अब इसको मैं तवे पे बनाऊंगी। अब इसको एक साइड से जो पक गया है, दोनों साइड से ऐसे ही इसको पकाना है अच्छी तरह। अब ये दोनों साइडों से पक गया है, अब मैं इसको सर्व करूंगी। सर्व करने से पहले मैं इस पर थोड़ा घी लगाऊंगी, आप चाहे तो बटर भी लगा सकती हैं। मैं इस पर थोड़ा घी लगाऊंगी ताकि लहरों में चले। अब ये खाने के लिए तैयार है। तुम क्यों होती हैं, ये अलग किस्म का पराठा बनाऊंगी मैं। इसको भी मैंने बेल लिया। अब इसमें घी जाएगा। थोड़ा सा नमक जाएगा और इसको ऐसे करके फैलाएंगे और ऐसे करके एक एक लहर करके फोल्ड कर देंगे इसको। जहाँ तक फोल्ड कर दिया इसको जहाँ तक ऐसे करके, फिर ये वाले दोनों किनारे ऐसे करके ऐसे लगाए बीच में और ये वाला इधर इसके ऊपर। अब इसको भी ऐसे करके बेलना है। अब मैं इसको भी पकाऊंगी। पक गया, इसको मैं दूसरी साइड से ऐसे करके पकाऊंगी। अब ये भी परांठा तैयार हो गया मेरा। घी लगाऊंगी। इसकी भी लहरें निकलेंगी। इसमें भी मैं घी लगाऊंगी, थोड़ा सा नमक डालूंगी और ऐसे करके इसको फैलाऊंगी और फटाफट रोल कर लूंगी।
रोल किया इसको ऐसे करके, इसको ऐसे करके लपेटा और इसको इसके ऊपर चढ़ा दिया। अब ये इसको मैं तवे पे चढ़ाऊंगी। अब एक साइड से पक गया, अब दूसरी साइड से पकाऊंगी इसको। हाँ तैयार हो गया है। अब इसको भी नमक घी लगा दिया मैंने, ऐसे करके इसको फोल्ड करना है, इसको ऐसे ऐसे करना है, दूसरा फूल इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। ये परांठा भी मैंने सेक लिया, पक गया। मैं घी लगाऊंगी।